Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आप तमाम आशिकाने महबूबे इलाही इस टाइम लाइव ज़ियारत कर रहे हैं दरगाह शरीफ से। मैं सैयद अनीस निज़ामी, इंचार्ज दरगाह शरीफ, आप सब के लिए दुआगो हूँ महबूबे इलाही की बारगाह में। अल्लाह पाक महबूबे इलाही के वसीले से आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह पाक आपके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। मैं आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ महबूबे इलाही की बारगाह में। आप लोग इस टाइम सब लाइव ज़ियारत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अंदर आस्थाने शरीफ की भी अभी ज़ियारत कराता हूँ चल के। आप सब लोग मेरे साथ लाइव वीडियो में जुड़े रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग हमारे साथ लाइव वीडियो में जुड़ सकें और दुआ में शामिल हो सकें। अल्लाह पाक महबूबे इलाही के वसीले से आप सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। आपके घरों में अल्लाह पाक खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप लोगों को अंदर आस्थाने शरीफ में जाके ज़ियारत करवाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम या महबूबे इलाही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या महबूबे इलाही, आपके चाहने वालों ने पूरी दुनिया से आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है, इन सब के सलाम को कबूल फरमाएं। या महबूब इलाही, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि सबकी परेशानियां दूर हो जाएं। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उन्हें रोज़गार अता फरमाएं। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज दूर करने की उन्हें हिम्मत ताकत और तौफीक अता फरमाएं। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें औलाद अता फरमाएं। या महबूब इलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि जो बहन बेटियाँ घरों में कुंवारी बैठी हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक शरीफ रिश्ते अता फरमाएं। आपके चाहने वालों ने पूरी दुनिया से आपकी बारगाह में मुझसे दुआओं के लिए कहा है। या महबूबे इलाही, उन सब के नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है पर आपको सब जाहिर है। उन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं। या महबूबे इलाही, जितने भी लोग इस टाइम मेरे पेज के थ्रू आपके आस्थाने की लाइव ज़ियारत कर रहे हैं, इन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। या महबूबे इलाही, इन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह पाक इनके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। या महबूबे इलाही, आशी ख़ान ने, साइमा ख़ान निज़ामी ने, आलियान ने, रूहान ने, आसिफ भाई ने, इन सब ने, सैयद निहाल अहमद निज़ामी अंकल ने, सैयद कमाल अहमद निज़ामी अंकल ने, शादमान रऊफ भाई ने, इन सब ने आपकी बारगाह में दुआओं के लिए कहा है। या महबूबे इलाही, इन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह पाक इनके रोज़गार में बरकत अता फ़रमाएँ, इन्हें कामयाबियाँ तरक्कियाँ अता फ़रमाएँ। या महबूबे इलाही, मुर्तज़ा हुसैन बोहरा ने, मोहम्मद अबुल बसर ने, रिहाना ख़ान ने, परवीन कपाड़िया ने, सादिक अली ने, इन सब ने आपकी बारगाह में मुझसे दुआओं के लिए कहा है। या महबूबे इलाही, इन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। या महबूबे इलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि जो बहन बेटियां घरों में कुंवारी बैठी हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक शरीफ रिश्ते अता फ़रमाएँ, सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। या महबूबे इलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए, आपके चाहने वालों ने पूरी दुनिया से आपकी बारगाह में मुझसे दुआओं के लिए कहा है। या महबूबे इलाही, उन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फ़रमाएं। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उन्हें रोज़गार अता फ़रमाएं। जो जिस हाल में परेशान हैं उन सब की परेशानियां दूर हो जाएं। या महबूबे इलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए। ये जो पूरी दुनिया में ये वबा फैल रही है कोरोना वायरस, इसके जो नए नए वेरियंट्स आ रहे हैं बीमारी के, या महबूबे इलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाएँ। या महबूबे इलाही,
अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबकी परेशानियां दूर हो जाएं, आमीन बिलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नता मअ अल-अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या महबूब इलाही, रेहाना ख़ान ने, कुरतुल ऐन शेख ने, निज़ामी फ़तेह ख़ान ने, रिजवान ख़ान ने, इन सब ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया। या महबूब इलाही, इनके सलाम को कबूल फरमाएँ और अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इनके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ, अल्लाह पाक इन्हें कामयाबियाँ तरक्कियाँ अता फ़रमाएँ। या महबूब इलाही, आपके चाहने वालों ने पूरी दुनिया से आपकी बारगाह में मुझसे दुआओं के लिए कहा है, इन सब के नाम मुझे भी ध्यान में नहीं है पर आपको सब जाहिर है। या महबूब इलाही, इन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं सैयद अनीस निज़ामी, इंचार्ज दरगाह शरीफ, आप सब के लिए दुआगो हूँ महबूब इलाही की बारगाह में। अल्लाह पाक महबूब इलाही के वसीले से आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, आपके घरों में अल्लाह पाक खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकतें रहमतें अता फरमाएँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब लोगों को रोज़ाना दरगाह शरीफ से लाइव ज़्यारत करा सकूँ। इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों को कल ज़्यारत कराऊँगा। आप सब के लिए मैं दुआगो हूँ महबूब इलाही की बारगाह में। अल्लाह पाक महबूब इलाही के वसीले से आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, आप सब के घरों में अल्लाह पाक खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल ज़्यारत कराऊँगा दरगाह शरीफ से। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दरगाह शरीफ की लाइव अपडेट्स के लिए। इंचार्ज दरगाह शरीफ मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर, आप लोग वहाँ से सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको दरगाह शरीफ से रिलेटेड सारी अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों को मैं कल ज़्यारत कराऊंगा दरगाह शरीफ से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन।